घाटे में रेलवे को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि 10 साल में रेल का किराया भाड़ा प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाया, स्टेशन बेच दिया, जनरल बोगिया घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, रेलवे में सेफ्टी सिक्योरिटी घटाया जिस कारण रोज हादसे हो रहे हैं और अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दे। तो सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट करते हुए लालू यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए रेलवे को लेकर ये हमला बोला है लालू यादव ने एनडीए सरकार पर कि बोगियां कम कर दी गई है, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया गया है, कई आरोप उन्होंने लगाए हैं और अब ये तंज भी उन्होंने कसा है लालू यादव ने कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये लोग रेल की पटरियां ही ना बेच दें। अंदाजा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव का ये स्टेटमेंट कब आया है। ये स्टेटमेंट उस वक्त आया है जब लाखों की तादाद में बिहार से बाहर रह रहे लोग फेस्टिवल में अपने घर लौटते हैं और उस वक्त उन्हें काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है और भीड़ भाड़ में वो अपने घर की तरफ पहुंचते हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने पब्लिक के सेंटिमेंट को जीतने का की कोशिश की है और उसी के तहत उन्होंने रेलवे को टारगेट पर लिया है। और चूंकि लालू प्रसाद यादव पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल को लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। क्योंकि अभी के वक्त जब भी मतलब ट्रैवल की सूचना आती है तो ट्रैवल के रूप में सबसे पहले रेलवे ही एक बड़ा माध्यम बनता है और खासतौर से जो प्रवासी बिहारी हैं वो रेलवे को ही अपने बिहार आने का, घर आने का एक बड़ा जरिया बनाते हैं। और इसी के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की समस्याओं पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव रेलवे से जुड़े मसले पर कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अचानक इस वक्त रेलवे को मुद्दा बनाकर उनका स्टेटमेंट देना ये अभी सुर्खियों में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर रेलवे को लेकर लालू यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि रेलवे को लेकर विषय में झूठे ट्वीट का पर्दाफाश हो चुका है। लालू जी, कहां से आपके फर्जी आंकड़ा निकाल लिए कि रेलवे घाटे में चल रहा है? क्या हो गया दोनों आप पिता पुत्र को? सुबह उठना है, झूठा झूठा ट्वीट करना है? अरे रेलवे में तो कचरा बेचकर फर्जी मुनाफा आप दिखाया करते थे आंकड़ों की बाजीगरी करके। आपको तो इस पर बोलना चाहिए कि आपने जो नौकरी के बदले जमीनें ली उसका जवाब कब देंगे, उस पर आपको बात करनी चाहिए। रेलवे की चिंता नहीं करनी चाहिए, रेलवे की चिंता मोदी जी कर रहे हैं। आज भारत में वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, इसलिए नई पटरियां लगाने की जरूरत आन पड़ी।